नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताएंगे। मूवी IB71 और मूवी छत्रपति आज रिलीज हुई है, तो इस वीडियो पे इन दोनों मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बताएंगे। साथ ही साथ सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस रिलीज का पूरे 22 दिन कंप्लीट हुई है, तो इस वीडियो के अंदर सेंगिस मूवी के 22 दिनों के टोटल नेशन वाइड ग्रोस कलेक्शन बताएंगे। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें मूवी छत्रपति के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को छत्रपति मूवी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की रिव्यूज मिलने लगे हैं ऑडियंस की तरफ से। पता नहीं फ्यूचर क्या होगा इस मूवी का। इस मूवी को डायरेक्शन दिया है बी विनायक जी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस किया है जयंती लाल गादा और म्यूजिक है इस मूवी के अंदर रवि बसरोड सर की। छत्रपति जो कि एक एक्शन ड्रामा फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है, इस मूवी के अंदर बहुत सारे कलाकार देखने को मिले हैं जैसे कि बेल्लम कोंडा, सई श्रीनिवास, नुसरत भरूसा जी, भाग्यश्री जी और शरद कलकार जी, ऐसे कुल मिला के और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं दोस्तों मूवी के अंदर। और बजट की बात की जाए तो दोस्तों इस मूवी के छत्रपति मूवी के बजट बताए गए हैं पूरे लगभग 40 करोड़। आज ये मूवी इंडिया के अंदर पूरे 1300 स्क्रीन के साथ रिलीज हुआ है और ओवरसीज मार्केट पे पूरे 300 स्क्रीन के साथ रिलीज हुआ है। यानी छत्रपति मूवी आज टोटली वर्ल्ड वाइडली पूरे 1600 स्क्रीन के साथ रिलीज हुई है। अब बात की जाए कलेक्शन की, तो दोस्तों आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्यूपेंसी पे 55% ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिले थे और मॉर्निंग के ही दूसरे शो पे 45% के ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिले थे। यानी अभी के रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक छत्रपति मूवी आज रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कमाई करने लगे हैं वो लगभग 1,50,00,000 रुपए। जबकि दोस्तों इंडिया पे आज डोमेस्टिक ग्रोस कमाई होने लगे हैं मूवी के पूरे 1,80,00,000 रुपए और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कमाई आने लगे हैं अपने रिलीज के पहले दिन लगभग 40,00,000 के आसपास। यानी छत्रपति मूवी रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन जो टोटली वर्ल्ड वाइडली कमाई करने लगे हैं वो लगभग 2,20,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है छत्रपति मूवी के पहले दिन के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रोस कलेक्शन जो की होने लगे है पूरे 2,20,00,000 रुपए। और अगर बात करें दोस्तों मूवी सेंगिस के बारे में, सुपरस्टार जीत सर की मूवी सेंगिस आज इस मूवी के लिए चौथा वीकेंड शुरू हुई है और चौथे वीकेंड पे भी मूवी के लिए बहुत ही बढ़िया ग्रेट रेस्पॉन्स है दोस्तों। मूवी सेंगिस के टोटल बजट थे पूरे 5 करोड़ और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों मूवी सेंगिस ने अपने पहले हफ्ते में जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3,45,00,000 रुपए, अपने दूसरे हफ्ते में नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,42,00,000 रुपए और अपने तीसरे हफ्ते पे इस मूवी ने जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1,10,00,000 का। और बात की जाए दोस्तों मूवी के चौथे वीकेंड की कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी के लिए चौथा वीकेंड आज से शुरू हुई है और आज की कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक आज से फिल्मी फ्राइडे होने के कारण कलेक्शन के मामले में एवरेज तौर पर ग्रोथ ही देखने को मिलने लगे है और आज जो कमाई होने लगे है लगभग 15,00,000 के आसपास। और इसके साथ दोस्तों मूवी सेंगिस के 22 दिनों का टोटल इंडिया पे जो नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 6,12,00,000 रुपए, जबकि 22 दिनों का टोटल इंडिया पे ग्रोस कलेक्शन होते हैं पूरे 7,50,00,000 रुपए। और यही है दोस्तों मूवी सेंगिस के 22 दिनों के टोटल नेशन वाइड ग्रोस कलेक्शन जो की हुई है पूरे 7,50,00,000 रुपए। दोस्तों सेंगिस मूवी पहले ही सुपरहिट हो चुके थे लेकिन जिस तरह से कलेक्शन होने लगे है अपने चौथे वीकेंड पे भी बहुत बढ़िया बिजनेस करेगी, ऐसा लगता है ये मूवी ब्लॉकबस्टर होके रहेगी। यहाँ पे अगर बात करें मूवी IB71 मूवी के बारे में जो मूवी आज रिलीज हुई है, विद्युत जमाल स्टार मूवी, ये मूवी दोस्तों IB71 एक रियल इंसिडेंट के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। 1971 की एक स्टोरी को दर्शाया गया है इस मूवी के अंदर जिसमें विद्युत जमाल है, अनुपम खेर जी है और भी कई कलाकार देखने को मिले है। इस मूवी के टोटल जो बजट है वो लगभग 25 करोड़ रुपए और आज ये मूवी इंडिया के अंदर पूरे 1400 स्क्रीन के साथ रिलीज हुआ है, ओवरसीज मार्केट से पूरे 350 स्क्रीन पे ये मूवी रिलीज हुई है। यानी IB71 टोटली वर्ल्ड वाइडली पूरे 1750 स्क्रीन पे रिलीज हुई है। अब बात की जाए कलेक्शन की, तो दोस्तों जानकारी के मुताबिक आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्यूपेंसी पे 65% ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिले थे जो कि एवरेज तौर पे सही है। और अभी के रिपोर्ट के जानकारी के मुताबिक IB71 अपने रिलीज के पहले दिन जो नेट कमाई करने लगे हैं वो लगभग 2,50,00,000 रुपए, जबकि आज इंडिया पे डोमेस्टिक ग्रोस कमाई होने लगे हैं मूवी
के पूरे 3 करोड़ का और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल कमाई आने लगे हैं लगभग 50 लाख रुपये। यानी दोस्तों IB71 मूवी रिलीज होते ही रिलीज के पहले दिन टोटली जो वर्ल्ड वाइडली कमाई करने लगे हैं पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपये। तो दोस्तों देखते हैं आगे ये सभी मूवी कितने करोड़ की लाइफ टाइम कलेक्शन कर पाते हैं, जो कि हम आपको बताते रहेंगे। आपसे उम्मीद है हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।